हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। शाम के बज रहे 4:30। हमारा भाई गया उठ और दिन बड़ा बोरिंग सा जा रहा है। मतलब यार, किसी दिन ज़्यादा सोते रह जाओ ना, नींद पूरी नहीं होती तो भी बुरा लगता है, ज़्यादा सोते रहते हो तो भी बुरा लगता है। ऐसा लगता है यार पूरा दिन निकल गया, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करा, कुछ पैसे वैसे ना कमाए, कुछ अच्छा काम नहीं करा यूट्यूब के लिए, इंस्टा के लिए, अपने लिए, तो बड़ा गुस्सा भी आता है यार। तो अब सबसे पहला प्रोडक्टिव काम है, हम अपनी गाड़ी बनवाएंगे। भाई आज बड़ी जंगली जैसी हो रखी है, और उसके बाद कि जो दिन की शुरुआत होगी वो चलते दिखाते क्या करते हैं शुरुआत तक। तो चलो भाई, पहले गाड़ी सेट करा के है ना। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है एक बाइक भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि घर के आसपास जाने के लिए ना छोटे मोटे कामों के लिए भी गाड़ी निकालनी पड़ती है, तो वो भी बड़ी हेडेक है यार। लाल क्या खिलाओगी? बता क्या खाया। क्या खिलाबो? कुछ नहीं थी। जो खाओ वही बता दो। जो खाओ वही बता दो। खिला दो फटाफट, कुछ भी, दूध पिला दो, रोटी खिला दो। तो भैया ये लग रहा है हमारे रोटियों में घी ठोक ठोक का ही। शाबाश, मैं भी देसी घी है ना? या आप बनाते हो अपने आप? बिल्कुल भाई, शाबाश। तो हमारी मम्मी अपने आप बना देती भाई घर में घी। आलू गोभी सब्जी। ओहो, क्यों नाराज है? शांत हो जा, शांति बना, आवाज मत कर दे। बड़े वाले लड़के। अच्छा, ओहो बड़े बेटे का ध्यान है ना, तेरा दही, आलू गोभी, रोटी और चटनी। चटनी जरूरी है, देसी खाना बिल्कुल। सुबह सुबह दिन निकलते हैं, खुलते रोटी चाहिए भाई, सीधा हिसाब है। हमारा दिन अभी निकला है ना, चलो खा ले फटाफट, इंजॉय करो। आलू गोभी मेरी फेवरेट है भाई, किसी फेवरेट हो तो बता दियो मुझे, तुम्हारे घर भी भिजवा देंगे, तुम्हें घर बुला के खिला देंगे। और भाई अब पी गर्मा गर्म चाय, सुबह 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 मतलब शाम हो रही है हमारी, सुबह है। और पीछे हमारा बेड मैसी पड़ा, मम्मी रोज वाली वक्त की वीडियो में देखा, आराम जाते बेड तो साफ कर दिया कर, सॉक्स पड़े वॉश्ड। और संतरा खाया बेड पे और उसके दाने बेड पे छोड़ दिए, देख लो। अभी मम्मी देख लेती ना, जान की आफत हो जाती। यहाँ से फेंक दो, ये नीचे का नज़ारा, ये नीचे का नजारा भाई। तो भाई चावा भी क्यों सेट, और अब जा रहा तुम्हारे भाई दाढ़ी सेट कराने। देख रहे हो दाढ़ी बढ़ाना और भाई इसको मेंटेन रखना ना, बड़ा जद्दोजहद का काम हो जाता है। तो भाई तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं फटाफट से दाढ़ी सेट करा के आ रहा हूँ। देखो ये दिख रहा है, ये बाल, ये कटाओ हर टाइम, ये कटाओ। बहुत ड्रामा है दाढ़ी रखने में भाई, पर कोई ना, देसी गबरू। ठीक है चलो, 5 मिनट दो, 5 मिनट में आया। तो देखो भाई, लाल फूल, नीला फूल, बियर्ड से धोते ही शक्ल हो गई ब्यूटीफुल। ठीक है तो भैया, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कुछ भी कर लो, बियर्ड और बाल सेट नहीं है ना तो कुछ मज़ा नहीं आता यार। अब हम जा रहे हैं जिम, मयंक को लेंगे। और आज मयंक बड़ा जोश में कह रहा, भैया मुझे भी वर्कआउट कराओ और मेरे जिम की फीस भरवा दो, क्योंकि अब मैं भी सीरियस होकर जिम करूँगा। तो लेट्स सी, करेगा सीरियस होकर तो भरेंगे, ना तो देंगे लात, है ना। क्योंकि हमेशा बोलता है, हर 4-6 दिन में बोलता, भैया मैं सीरियस होना चाहता हूँ, मुझे भी पतला होना है, कुछ करना है। 4 दिन 5 दिन करके फिर गया। ठीक है तो चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो। ठीक है, बड़ी गाड़ियों को खोलने की तमीज नहीं है क्या? हैं क्या? मैंने कहा बड़ी गाड़ियों को खोलने की तमीज नहीं है। पैसा देने, मैंने गाड़ियों के मामले में हैं, हमने कहा देखा होता अपना नया पैसा, हम तो कब पैसा ना। अच्छा व्लॉग बनना है तो, और क्या, सॉरी ब्रो, पैसा इतना राजीव है वो तो अंगूठे से बात नहीं बन पाई थी। अच्छा तुम आज व्लॉग बनाते आ रहे हो तो डेली व्लॉगिंग ऑन टॉप है। दिन का रेस्ट लिया कल, तुम्हारी कसम से ऐसे कर लो, बिल्कुल आंखों पे आ रहा है। कैसे? दोनों भाई दिखेंगे ना उधर से, क्यों कर लो। अरे भाई चलो, बहुत तेज लाइट आई तुम्हारी का तो। क्यों लाइट जला रहा है? बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी देखी ना, यस ऐसे चलती है। अब ठीक है, बड़ी गाड़ी में बैठे नहीं हो क्या? उंगली करूंगा। अरे महंगी लगती है ये, खराब हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे इसका तो वो भी खुलता है। तो भैया आज ये कह रहा कि भैया आज जो जिम है उसमें फीस देंगे, हमारा रिन्यू ना, हम आए नहीं दो ढाई महीने से। सो भी कह रहा था मुझे, क्या कह रहा, चला भाई साहब आज कैसे, मैं कहा ऐसे आजा हम तो कह रहा अब मैं वर्कआउट करना चाहता हूँ, सुबह भी हो गया हूँ मैं तो, मुझे इसी बात पर विश्वास है नहीं, हर 3-4 दिन में तो चुल उठती है कि मैं वर्कआउट करूंगा और उसके बाद करता है कुछ है। सुनो मेरी बात, चुल उठनी अपनी जगह है, पर एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो है एक लौंडे की। अच्छा बहुत धुआंधार ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो दिखा दी उसने। अच्छा उसे देख के मोटिवेट हुआ मैं। ओह
ओके तो उसकी बात ठुकरा के मेरा प्यार ये ऐसे सो दिया जी है अपने गाजावाद सु वो फिटनेस सीरीज या वो जोर का लौंडा भाई बात बात उसकी पूजा देख के मोटिवेट हुए मत पड़ो चक्कर में कोई नहीं उसके चक्कर में तो ये सीन है। अच्छा चलो तो ये तो बहुत अच्छी बात है मुबारक ऑन कैमरा कह दो ऑन कैमरा क्या कह दो बहुत देख के अब जो ठुकरा के मेरा प्यार थ्री आएगी मयंक पंडित के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ठीक है भाई ओके ठीक है तो भाई हमने करा ताबड़ तोड़ वर्कआउट और आज तो कोच साहब भी वर्कआउट कर रहे थे बढ़िया वाला आज तो कोच साहब यूं कर रहे ट्राइसेप्स खींच के लो भाई खींच के मैं अपना बना नहीं पाया मैंने इसे डिस्टर्ब करा नहीं मैंने कहा सीरियस होकर वर्कआउट कर रहा हाँ भाई ट्रांसफॉर्मेशन कितने दिन में कर रहा हूँ भाई जितने दिन तुम करवाओगे जितने दिन तुम करवाओगे मैं करवाऊंगा एक टाइम बता दो मतलब सीरियस वाला मैं जुबान पे कंट्रोल करना मेरा वो है गारंटी माँ की कसम माँ की कसम जुबान पे तू कंट्रोल मैं कर लूंगा तू भाई देखो 100 तो नहीं कर पाऊंगा पर 50-60 कर लूंगा 50-60% कर लूंगा कर लेगा पक्का 6 महीने ठीक है ठीक है डन बिना इंजेक्शन के हाँ भाई इंजेक्शन के साथ हो सकते हैं पर बिना इंजेक्शन के कितना पतला हो जाएगा कितना किलो है अभी हो रहा हुआ 99 सौ मान लो 100 किलो का 5 इंच का आदमी हाँ 5-6 छोप ऐसा मैं भी छोटा तो भैया यहाँ से आप जा रहे हैं हम कुछ खाएं पिए भाई वर्कआउट करके भूख लग रही है और कभी कभी देखो बोर हो रहे हो ना तो नीचे कमेंट कर देना भाई तुम्हारी ब्लॉगिंग से बोर हो रहे क्योंकि मेरी जिंदगी में इस चीज के अलावा कुछ नहीं है ना मुझे बाहर घूमने का बता देना साफ सीधी बात है ना मुझे बाहर घूमने का शौक है ना खावा खा दोस्तों के पिछवाड़े में जाके जिसकी जरूरत है फोन मार दो 100 के 100 तैयार 200 के जितने दोस्त सारे खड़े होते लेकिन ऐसे जबरदस्ती किसी घर जाके कंटेंट बनाओ वो बस की नहीं हम किसी को परेशान करते और ना किसी से होते ना बात सौ बात और नहीं मजा आया तो क्लियर बता दो फिर हम ऐसे बनाएंगे जब कहीं जाएंगे तो ही तो ही बनाऊंगा फिर ऐसे ना कि रोज रोज मैं तुम्हें जबरदस्ती पकाऊं क्योंकि जैसे हमारा शेड्यूल है भाई का मोस्टली क्या है हम उठे आप जिम जाने लग गए या वीडियो कुछ काम होता है ग्राउंड चल जाते हैं मतलब बहुत सिंपल हमारा बहुत सिंपल शेड्यूल है सुबह उठना जिम जाना खाना पीना अपना एक आध बेड तोड़ एक आध घंटे के लिए वो और बेड तोड़ो सो आराम से तो ये शेड्यूल है यार इसमें मैं डेली व्लॉगिंग क्या दिखाऊं बस पर इतने में इंटरेक्शन में तो मैं मजा आ रहा था ठीक है बोर हो रहे तो भाई नीचे कमेंट करके बता रहे भाई बोर हो रहे मत बनाओ तो नहीं बनाऊंगा कभी कहीं जाऊंगा पहाड़ों में जाऊंगा गोवा जाऊंगा मुंबई जाऊंगा कहीं भी जाऊंगा तो वो वैसे बना दूंगा अदरवाइज जैसे तुम बोलो ठीक है लव यू भाई जिंदगी में कुछ भी ना है भाई सिंपल माँ बाप के सिंपल बच्चे हैं खाना पीना मस्त रहना हेल्दी खाना हेल्दी रहना और फालतू शोशाबाजी यार बस की ना ठीक है चलो बाय लव यू खाना चल रहा है नहीं बोल जा रहा है हो गया तू भाई पता नहीं जाई पे कौन से रास्ते में पहुंच गया निकले एक साथ मैं बहुत देर का के खड़ा हो गया ये पता नहीं कहाँ घूम के अब आया आधे घंटे कह रहा भाई मैं जाई में पता नहीं और घर टच करके आया हूँ घर का रास्ता भी वो चैटिंग कर रहा होगा मोड मिस कर दिया होगा दिक्कत तो यही हुई दिक्कत यही है पता मुझे मेरे बछड़े के दांत पता है कितने हैं भैया हम आगे हमारे दोबारा वही बोरिंग वर्कआउट करके खाना खाने हमारे नेक्स्ट राउंड में चाय कॉफी में कुछ पियेंगे उसके बाद घर चले जाएंगे ये झंड लाइफ है हमारे लोग यूं में मजे ले रहे हैं ठंड लग रही है ठंड लग रही है ठंड लग रही है हेलो हेलो ओ बेटे ओ शाबाश आई ओ काटियो मत भाई मुझे डर लगे ओ अच्छा अच्छा कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है अरे खेले जगह बुड़ का काट रहा है ठंड लग रही है ठंड लग रही है अरे प्यार ना मानना ओए ध्यान होगा अभी मेरा अरे मेरा ध्यान होगा अभी बे हुआ मेरा भी ना है मुझे क्या देख रहा है सर कितने छोटे गिर रखे किसी ने अभी आके बैठे हैं अभी तो ऑर्डर भी ना दिया हमने चाय का यहाँ ना बैठ रहा यहाँ मेरी सिगरेट की छोटी पड़े इतने सारे कहीं और चल रहे कहीं और चलो चेंज द प्लेस मेरी मम्मी ने मना कर रही जहाँ सिगरेट बीड़ी हो वहाँ तक बैठ नहीं ना तो फिर तो हिसाब से जगह बैठना नहीं चाहिए चाय का ऑर्डर चारों तरफ धुआं ही उड़ा चढ़ा ओ हो फुल मस्ती में भाई ठंड में चाय का मजा है तो भाई अभी हम अभी हम लाइव आए थे थोड़ी देर के लिए रूबल भाई के साथ तो जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ पे ये भैया रहते हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं तो देख के ये भाग गए और यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है
क्या नाम इसका? बरामदा। कौन से सेक्टर में? सेक्टर 122। सेक्टर 122 में। तो भैया कह रहे भाई एक बार हमारा भी रेस्टो देख लो, अच्छा लगे तो अपने भाइयों को भी बता दो। हाँ, और ये भी हमारी फैन है, फैन नहीं सॉरी बहन है। बाकी ये हमारा डाइनिंग एरिया बैठे हैं तो अभी फिर आऊंगा ना, पहले फिर वहां तक चलो, अगर यहाँ आए तो वो ले लो। पानी तो पी सकते हो मेरे यहाँ पे। फॉर्मेलिटी क्यों करनी है? फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? इस तरफ भाई कह रहे हो तो फॉर्मेलिटी। देखो घर आते मेहमान तो पानी तो, जब प्यास लगेगी तो पिएंगे ना पानी, जो कह दो वो पिला देंगे सर। देख लो भाई क्या सही जगह है, किसी को पार्टी वार्टी करनी हो तो बरामदा है, गूगल कर लेना। वैसे हमारा बार है, अगर हम पे लेकर के कस्टमर आते हैं तो बार है। अच्छा, द बार कंपनी मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको आई एम ए फेलो मतलब दोनों चीजें मिल जाएंगी, बेस्ट टू बेस्ट जो आपके लिए। तो आप चले जाना बस, इतना बहुत है, हमारा तो सौभाग्य इतना है, आप कभी चले जाना, बार कंपनी का नाम ही बताओ। बिल्कुल जाऊंगा। Yeah. भाई देख लो, अच्छा है किसी को आना हो, पार्टी करनी हो, गैदरिंग करनी हो तो यू कैन कम विजिट। कौन सा सेक्टर है? 122 सेक्टर, 122 में बरामदा, BARAMDA, बरामदा के नाम से, बरामदा गूगल कर लेना, बरामदा के नाम से। बाकी